हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेटिंग को। सेटिंग किसी भी प्लॉट की हो सकती है, किसी भी ड्रामा की हो सकती है, किसी भी नॉवल की हो सकती है। तो ये होती क्या है, चलें वो देखते हैं। द सेटिंग ऑफ अ पीस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर हमारे पास कोई भी रिटन वर्क है, ठीक है, नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, पोइट्री होगी, वो क्या है, लिटरेचर है। अब कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर की जो सेटिंग है वो क्या होती है, इज़ द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस। ये वो टाइम और प्लेस होता है जहाँ पर वो स्टोरी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग उसको बोलते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सेटिंग कैन ऑल्सो इंक्लूड सोशल स्टेटस, वेदर, हिस्टोरिकल पीरियड एंड डिटेल्स अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग्स। और जो सेटिंग होती है इसमें स्टेटस भी शामिल हो सकता है, सोशल स्टेटस, वेदर, हिस्टोरिकल पीरियड और भी काफ़ी सारी डिटेल्स सराउंडिंग की शामिल हो सकती हैं। सेटिंग्स कैन बी रियल और फिक्शनल। तो दूसरी बात वो ये करते हैं कि जो सेटिंग है वो रियल भी हो सकती है, वो फिक्शनल भी हो सकती है। रियल यानी कि रियल सबको पता है जो हकीकत पर मबनी होती है, और फिक्शनल वो जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। दोनों तरह की सेटिंग हो सकती है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रियल एंड फिक्शनल एलिमेंट्स, और मे बी इन दोनों का क्या कह लें, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सम सेटिंग्स आर वेरी स्पेसिफिक वाइल अदर आर डिस्क्रिप्टिव। कुछ सेटिंग्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती हैं। मोस्ट पीसेज ऑफ लिटरेचर इंक्लूड मोर और मैनी मोर देन वन सेटिंग। बहुत ज़्यादा पीस ऑफ लिटरेचर ऐसे हैं जिनमें एक सेटिंग नहीं, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं। ईदर एज द नरेटिव प्रोग्रेसेस थ्रू टाइम और टू इंक्लूड द पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्रॉम मोर देन वन कैरेक्टर। जहाँ पर एक कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज लिए जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किस्म की सेटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है, नरेटिव प्रोग्रेस के लिए। सेटिंग इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फिक्शन। ये फिक्शन का एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। फिक्शन में सेटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद प्लॉट। प्लॉट में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जब तक सेटिंग नहीं होगी ना तो प्लॉट इनकम्प्लीट होगा। कैरेक्टर्स में भी इम्पॉर्टेंट है, थीम में भी, स्टाइल में भी। दिस सेटिंग प्रोवाइड्स द बैकड्रॉप टू द स्टोरी, यानी कि बैकग्राउंड सेटिंग्स देती है ये जो सेटिंग जो है, कि पूरी स्टोरी जो है वो स्टेबल हो जाती है इसके साथ, एंड हेल्प्स क्रिएट मूड, और ये मूड बनाने में भी मदद देती है। मोर ओवर इट मेक्स द स्टोरी बिलीवेबल, और ये स्टोरी को इस तरह बना देती है कि हम उस पर बिलीव कर सकें। तो होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि सेटिंग्स में हमने शुरू में ही देखा था कि ये टाइम और प्लेस को के बारे में बताती है कि कब ये जो पीस ऑफ लिटरेचर ये कौन से टाइम का है और तब क्या था, ठीक है। तो आप सब लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।